हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है और इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो लिंकेज, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लिंकेज का मतलब होता है अगर दो जीन क्रोमोसोम पर साथ साथ हैं तो वो साथ साथ ही इनहेरिट होना चाहेंगे, साथ साथ ही रहना चाहेंगे। अगर दो जीन क्रोमोसोम पे बहुत पास पास है तो उनका इनहेरिटेंस एक साथ ही होगा और उनकी इसी टेंडेंसी को कहते हैं लिंकेज। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, दो जीन क्रोमोसोम पे दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो वो एक साथ साथ दूसरी जनरेशन में नहीं जा पाएंगे, वो रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर जब मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगी तो उस टाइम वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो नए कॉम्बिनेशन बना लेंगे, तो उसी जैसे वो पहले क्रोमोसोम पे थे उसी तरह से वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नहीं जा पाएंगे, तो वो रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे। तो लिंकेज के लिए क्या चाहिए होता है कि दो जीन क्रोमोसोम पे अगर पास पास होंगे तो वही लिंकेज को शो करेंगे। तो पहले हम लिंकेज को डीपली पढ़ लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो लिंकेज में हमने डेफिनेशन लिखी है, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टूगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, लिंकेज में क्या होता है कि अगर दो जीन पास पास है तो उनकी टेंडेंसी होगी कि एक ही साथ वो इनहेरिट हो, यही टेंडेंसी उनकी लिंकेज कहलाती है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर फिनोमिनन दैट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ जीन, और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों ही जीन के इनहेरिटेंस को शो करने के लिए होते हैं। ठीक है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों ही डिस्क्राइब करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ जीन को। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है। ठीक है, लिंक्ड जीन्स थे, दो जीन ए और बी, ये पास पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जब इनहेरिटेंस होगा तो ये पेरेंट से डॉटर में इसी तरह से चले जाएंगे, जिस तरह से यहां भी दिख रहे हैं वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में भी दिखेंगे, ये एक साथ ही इनहेरिट होंगे, मतलब ज्यादा टेंडेंसी इनकी एक साथ इनहेरिट होने की होगी, इसीलिए हम इनको कह देंगे लिंक्ड जीन। अब यही जीन अगर दोनों अगर दूसरे क्रोमोसोम पे मान लीजिए दो अलग अलग जीन इस तरह से दूर दूर प्रेजेंट हो, ठीक है, यहाँ पे आप सी या डी भी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो जीन बहुत दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, ये मियोसिस जब होगी क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ये सेपरेट हो जाएंगे और नए कॉम्बिनेशन बना लेंगे, इसी तरह से ये नए जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो इसलिए हम इनको कहेंगे नॉन लिंक्ड जीन। ठीक है, तो लिंक्ड जीन आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको कि लिंक्ड जीन क्या होते हैं, दो जीन अगर पास पास हैं तो एक साथ इनहेरिट होते हैं, ये टेंडेंसी कहलाती है लिंकेज और वो जीन कहलाते हैं लिंक्ड जीन। ठीक है, तो सबसे पहले लिंकेज डिस्क्राइब किया था बेटसन एंड पुनेट ने। ठीक है, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट के पी प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने और लिंकेज को सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले बेटसन एंड पुनेट ही थे, लेकिन उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इस तरह से रिजल्ट उनको क्यों मिल रहे हैं, उनको जो नॉर्मल डाई हाइब्रिड रेशियो थे उस तरह से नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बाद में टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव कर दिया कि लिंकेज किस तरह से लिंकेज होता है और किस कंडीशन में लिंकेज होता है, ये टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से बाद में प्रूव हो गया। तो सबसे पहले लिंकेज की शुरुआत करने के लिए बेटसन एंड पुनेट का नाम आता है, लेकिन उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया टीएच मॉर्गन ने, और टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट अपने किस पे किए, ड्रोसोफिला पे, ड्रोसोफिला पे टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट अपना किस पे किया, ड्रोसोफिला पे, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्ट्रो इसका पूरा नाम है, तो हम यहाँ ड्रोसोफिला लिख दे रहे हैं, ड्रोसोफिला पे ही टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने दो टाइप के क्रॉस करवाए ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो आज उसमें से हम पहला क्रॉस देखेंगे कि उसमें उन्होंने क्या किया। ठीक है, आज पहला क्रॉस समझ लीजिए, इससे आपको दूसरे क्रॉस समझने में भी आसानी होगी और बहुत हौच पौच नहीं होगा। आज क्रॉस वन सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या किया, कैसे रिजल्ट उनको मिले, उसके बेसिस पर उन्होंने क्या कंक्लूड किया। तो पहला क्रॉस था, उसमें उन्होंने क्या किया, ब्राउन बॉडी और रेड आई ड्रोसोफिला का मेल ले लिया, जिसकी बॉडी ब्राउन कलर की थी और आईज रेड कलर की थी, मेल ले लिया, मेल को हमने एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया है, और येल्लो बॉडी व्हाइट आईड फीमेल ले ली। ठीक है, इस तरह से हमने एक्स एक्स दो क्रोमोसोम पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, हमने ये क्रोमोसोम पे ये दोनों जीन पास पास बनाए हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें पास पास बनाए हुए, लेकिन ये पास पास है ये बात उस टाइम पर टीएच मॉर्गन को पता नहीं थी, इसके रिजल्ट जो उन्होंने एनालाइज किए उसके बेसिस पे उन्होंने बाद में ये बताया कि ये जीन पास पास प्रेजेंट होंगे तभी इसके रिजल्ट ऐसे आए हैं।
तो अब हमें तो लेकिन अब ये पता चल चुका है ना कि ये जीन पास पास थे तभी ऐसा रिजल्ट में आया, तो हमने इसीलिए इसको यहाँ पे शो कर दिया है, पास पास ही बनाया हुआ है इनको, ठीक है। तो जो ब्राउन बॉडी और रेड आईड मेल थे, तो उसमें जो ब्राउन बॉडी और रेड आई का जो कॉम्बिनेशन है ये डोमिनेंट है, इसीलिए डोमिनेंट को हमने पॉजिटिव पॉजिटिव से शो किया हुआ है। आप इसको कैपिटल लेटर से भी शो कर सकते हैं। और येलो बॉडी और व्हाइट आई जो रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए हमने इसको प्लस नहीं लगाया हुआ है, इसको हमने केवल वाई और डब्ल्यू से शो किया है। जो यहाँ वाई प्लस है वो ब्राउन बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डोमिनेंट है, और डब्ल्यू प्लस रेड आई को रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी डोमिनेंट है। इसी तरह से स्मॉल जो ये स्मॉल वाई विदाउट प्लस के लिखा हुआ है ये येल्लो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल डब्ल्यू विदाउट प्लस लिखा हुआ है तो ये वाइट आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से मेल फीमेल उन्होंने ले लिए। अब उसके बाद इनके बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले हमें गैमिट की फॉर्मेशन करनी पड़ती है। तो इसमें गैमिट कैसे बनेंगे, एक्स और वाई दो अलग अलग टाइप के गैमिट बनेंगे, तो हमने एक्स और वाई तरह से समझिए गैमिट लिखे हुए हैं। इसमें एक ही तरह का गैमिट बनेगा एक्स, क्योंकि दोनों एक्स एक ही जैसे हैं तो एक ही टाइप का गैमिट बनेगा, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फीमेल गैमिट को एक मेल गैमिट के साथ फ्यूज करेंगे, फिर दोबारा से एक फीमेल गैमिट को एक मेल गैमिट के साथ फ्यूज करेंगे, तो हमें इस तरह के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। पहले हमने इस वाले एक्स के साथ फ्यूज किया तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू इस तरह से मिल गया। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, फिर इसके साथ वाई वाला फ्यूज करेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका कलर लिख लीजिए, ये देखिए डोमिनेंट वाला जो था वही अपना इफेक्ट शो करेगा, रिसेसिव तो दब जाएगा, तो ये ब्राउन बॉडी और रेड आईड फीमेल हो जाएंगी क्योंकि दो एक्स एक्स हैं, और ये दोनों रिसेसिव वाले आए हैं तो येलो बॉडी और व्हाइट आईड मेल हो जाएंगे। मतलब जो हम पहले लेके चले थे फीमेल येलो बॉडी व्हाइट आईड, अब वो मेल मिल जाएंगे येलो बॉडी व्हाइट आई वाले, और ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल मिल जाएंगी जो कि हमने पहले मेल लिए हुए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये दोनों ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंट में यही ब्राउन बॉडी और रेड आई पेरेंट में था, येलो बॉडी और व्हाइट आईड भी पेरेंट में था, ठीक है। तो ये दोनों पेरेंटल ही कॉम्बिनेशन आए हैं, भले ही मेल फीमेल में एक्सचेंज हो गए उससे क्या हुआ, लेकिन है तो पेरेंट के ही कैरेक्टर, कोई नया कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं कि किसी ने कहीं पे यहाँ ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई डेवलप हो गया हो। अगर ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई डेवलप हुआ होता जो कि हमारा पेरेंट में नहीं, तब तो हम उसको कहते कि नया बन गया, लेकिन ये दोनों जो कैरेक्टर शो हो रहे हैं वो हमारे पेरेंट में भी वो कैरेक्टर थे, इसीलिए हम ये कहेंगे कि F1 जेनरेशन में पेरेंटल टाइप ही एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, इनको ये तो पता ही था कि पहली जेनरेशन जो होगी उसमें वो एक तरह से जो डोमिनेंट होगा वो अपना इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, लेकिन इसमें उनको दोनों इक्वल इक्वल ही मिले थे, ठीक है। F1 जेनरेशन में दोनों इक्वल इक्वल ही मिले थे, और इस तरह से ब्राउन बॉडी रेड आइट फीमेल येलो बॉडी और व्हाइट आइट मेल इस तरह से मिल गए उनको, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अभी तक। अब क्या किया, इन F1 में भी उन्होंने सेल्फिंग कराई, ठीक है। F1 को आपस में क्रॉस कराने के लिए फिर से गैमिट की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, अगर इसकी गैमिट की फॉर्मेशन करेंगे हम तो क्या होगा, एक तो ये एक्स वाला गैमिट बन जाएगा, दूसरा वाला इस तरह से बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा, एक ही टाइप का एक्स और एक तरह का वाई बनेगा। लेकिन क्या हो सकता है, वाई पे देखिए कोई जीन तो है नहीं, एक्स पे जीन है, लेकिन इन दोनों में अगर क्रॉसिंग ओवर भी हो जाएगी मियोसिस में तो क्या होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, क्योंकि वाई पे तो कोई जीन है ही, तो जो यहाँ पे जीन है वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये दोनों जीन में के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, वैसे तो ये पास पास है हमें पता है इनमें क्रॉसिंग ओवर की चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर हो जाती, क्योंकि ये पहले तो पता नहीं था कि ये पास पास है, तो मान लीजिए कि अगर क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हो जाती तो क्या कॉम्बिनेशन बनता, ये वाई प्लस इस डब्ल्यू के साथ कंबाइन कर जाता और ये डब्ल्यू प्लस इस वाई के साथ कंबाइन कर जाता, तो हम क्या बनाएंगे, गैमिट में पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी बना लेंगे और रिकॉम्बिनेंट बनने की जो चांसेस होंगी वो भी बना लेंगे। और इसमें तो केवल पेरेंटल ही बन सकता है, रिकॉम्बिनेंट बन नहीं सकता, क्योंकि वाई के साथ तो कोई जीन एक्सचेंज होगा नहीं, क्योंकि वाई पे कोई जीन ही नहीं है, तो इसमें तो इस तरह का बन जाएगा, लेकिन इसमें इस तरह का पेरेंटल बनेगा और इस तरह का रिकॉम्बिनेंट भी बन सकता है गैमिट की अगर हम बात करें तो, ठीक है, जो मियोसिस से बनेगा। मियोसिस में ही गैमिट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है गैमिट की फॉर्मेशन मियोसिस में कैसे होती है। इतना तो सबको पता होगा कि मियोसिस से ही गैमिट की फॉर्मेशन होती है, इतना पढ़ा होगा आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 12th क्लास में, ठीक है। तो इस तरह से पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट हमारे बन गए,
आप इसको खुद से बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पेरेंटल में सेम इसी तरह के बन जाएंगे एक्सेस, और रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो इस तरह की कंडीशन बना लेंगे। तो अगर पेरेंटल होगा तो ये कंडीशन होगी, रिकॉम्बिनेंट होगा तो ये कंडीशन होगी। अब इन दोनों में हम कराएंगे क्रॉस। इसमें देखिए पेरेंटल लिखा है, कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा इस कंडीशन में, तो हमने लिख दिया नो रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब इसके बीच में क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस हम नेक्स्ट पेज पे कराया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे क्रॉस दिखाने के लिए फिर से हमने यहाँ गैमेट को दिखा दिया है, जो लास्ट पेज पे हमने दिखाया था इस तरह से गैमेट की फॉर्मेशन हुई थी। अब क्या होगा, जो अब हमें इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है, तो ये वाला एक्स जो क्रोमोसोम पे जो जीन्स है ये इन चारों के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका इस दोनों के बीच में क्रॉस होना है, तो ये वाला जो स्ट्रैंड है वो इन चारों के साथ कंबाइन करेगा, उसको हमने इस तरह से लिख दिया है। उसी तरह जो ये वाई वाला है वो इन चारों के साथ कंबाइन करेगा, चारों स्ट्रैंड के साथ अलग अलग, वो कॉम्बिनेशन में नीचे लिख दिया है। अब इसमें ये देखिए कि वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे हमारे, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, मतलब ये जो ट्रेट था ये हमारा F1 जनरेशन में था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। लेकिन देखिए ये जो इस तरह की जो चीजें हमने दिखाई है, वाई प्लस और डब्ल्यू, फिर उसके बाद वाई डब्ल्यू, फिर वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, जो ये प्लस और ये अलग अलग हो गए, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है ये नए डेवलप हो गए हैं। तो पेरेंटल वाले को हमने पी का नाम दिया है, रिकॉम्बिनेंट वाले को आर का नाम दिया है। ठीक है, ये हमारा पेरेंटल हो गया, ये भी पेरेंटल हो गया, और वो रिकॉम्बिनेंट हो गया। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। लेकिन जब इन्होंने इसका रेशियो देखा, जब जो ड्रोसोफिला के कलर, आई कलर और बॉडी कलर के जो ऑफस्प्रिंग F2 जनरेशन में ये हुए, ये F2 जनरेशन में हुए हो गए हैं ऑफस्प्रिंग, F2 जनरेशन यहां लिख सकते हैं, F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग हुए, उसमें उन्होंने देखा कि पेरेंटल तो 98.7% है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा आ गए हैं, और रिकॉम्बिनेंट बहुत कम आए, 1.3% का ही केवल रिकॉम्बिनेशन दिखा। ठीक है, बहुत ही रेयर दिखा, क्योंकि दो, तो उन्होंने इससे ये बात कंक्लूड की कि ये दोनों जीन आपस में एक साथ ही रहना चाह रहे हैं, एक साथ रहना चाह रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम पे ये जीन पास पास ही प्रेजेंट हैं, तभी ये एक साथ इनहेरिट ज्यादा हो रहे हैं, इनके रिकॉम्बिनेशन की चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो अगर इस तरह से चीज होती है तो हम इसको कहते हैं पूरी तरह से लिंक्ड जीन है, तभी लिंक्ड जीन में हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिलते हैं, रिकॉम्बिनेशन की चांसेस बहुत ही कम होती है। तो इसलिए उनको पता चला कि जो वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस वाले जीन है, वाई डब्ल्यू वाले जीन है, वो लिंक्ड जीन है, उनको ये पहले एक्सपेरिमेंट से अपने पता चल गया। ठीक है, तो उनका पहला एक्सपेरिमेंट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको देखने के बाद अपनी कॉपी में दोबारा से इसको सही से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी के अभी बिना देखे बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल चीटिंग किए बिना, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्रॉस उन्होंने बनाए और किस तरह से उनको रिजल्ट मिले। ठीक है, पेरेंटल उनको 98.7% मिले थे और रिकॉम्बिनेंट 1.3% लिए थे, उन्होंने जीन की पोजीशन इस तरह से ली हुई थी। आपको ये याद करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बॉडी का कलर और आई के कलर का कॉम्बिनेशन में क्या मेल और फीमेल लिया, क्योंकि ये तो उनके एक्सपेरिमेंट है, इसमें तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, तो ये तो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस कॉम्बिनेशन बना के लिखते जाना है, और बाद में उनका रेशियो आपको पता करना होगा कि पेरेंटल उनको पहले वाले क्रॉस में 98.7% के मिले और रिकॉम्बिनेंट 1.3% के मिले, जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये दोनों जीन पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही रहना चाह रहे हैं, मतलब साथ साथ रहना चाह रहे हैं, मतलब ये जीन लिंक्ड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इससे उन्होंने मतलब ये बताया कि दोनों लिंक्ड जीन हैं। अब उन्होंने दूसरा क्रॉस जो किया था उसको हम कल डिस्कस करेंगे, पहले आज आप लोग ये क्रॉस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, वरना अभी दूसरा क्रॉस भी मैं बता दूंगी तो बहुत हॉच पॉच हो जाएगा, किसी की कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इसको प्लीज अपनी कॉपी में बना लीजिए, और एक बार बिना देखे भी प्रैक्टिस करिए बनाने की। ठीक है, तो ये मॉर्गन का पहला क्रॉस था जो आज हमने खत्म कर लिया। इसके बाद हम दूसरा क्रॉस देखेंगे, तो हमारा लिंकेज, उसके बाद लिंकेज हमारा समझ में आ जाएगा हमको, लिंकेज क्या होता है, फिर लिंकेज मैप हम डिस्कस करेंगे। लिंकेज मैप पे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, और 1.2.3 टेस्ट क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।